जिलाधीश कार्यालय में गंदगी के ढेर इस बात की गवाही है कि जिला प्रशासन कितना जिम्मेदार है। वैसे तो जिला प्रशासन की ओर से सफाई अभियान के चलते लोगों को जागरूक किया जाता रहता है। लोगों के लिए गीले कूड़े और सूखे कूड़े के बारे में हमेशा बताया जा रहा है, लेकिन जिलाधीश कार्यालय में ही स्थिति ऐसी है कि चकाचक गंदगी है जिससे वातावरण प्रदूषित हो सकता है। गौरतलब है कि जिलाधीश कार्यालय में हर वर्ग के लोगों का आना रहता है, ऐसे में उन पर क्या प्रभाव होगा ये बात सोचने वाली है। आप देख रहे हैं हम डीसी ऑफिस में आए हुए हैं, वहाँ के जो कैबिन्स है जहाँ पे वकील बैठते हैं उनके सामने ये कूड़े के ढेर लगाए गए हैं। ये गंदगी, ये स्वच्छ भारत अभियान बोला जाता है कि मोदी जी ने बोला है कि स्वच्छ भारत अभियान है, यहाँ पे कितने पैसे आते हैं स्वच्छता के लिए, लोगों को यहाँ पे सीख मिलती है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हालात है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसको मिनी सेक्रेट कहते हैं, तो अगर सिटी के मिनी सेक्रेट का ये हाल है तो दूसरी जगहों पर क्या हाल होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों से पूछेंगे कि इसके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ से बड़ी सीख ली थी, बड़े यहाँ पे मोस्टली लोगों के काम होते हैं, तो लोग कैसे यहाँ पे काम करेंगे वो आज हम लोगों से पूछेंगे। जो भी आ रहे हैं सभी है तो परेशानी तो है ही, जैसे बीमारी चल रही है अभी, तो क्या यहाँ से ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि लोगों बिल्कुल के यहाँ पे बड़े काम होते हैं, लोग सारे काम ही मैडम जी इधर ही है। डीसी ऑफिस है, एसडीएम साहब बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, और इधर बुढ़ापा पेंशन की स्कीमें हैं, जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, लंबड़दारी सरपंच सभी आ जा रहे हैं, तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? बीमारी फैलनी है। बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो कूड़ा कंकर सब किधर हुआ इधर ही है, तो नुकसान ही है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मोदी जी ने बोला कि एक एक चीज को साफ रखा जाए, फ्री के सैनिटाइजर भी मिल रहे हैं, फ्री के सारा कुछ मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, सफाई तो बहुत जरूरी है मैडम जी। सर ये कूड़े के ढेर जो लगाए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ये कूड़े के जो ढेर लगे हुए पंजाबी से बोल, कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं जी, मतलब ये चुकन वास्ते सरकार वालों किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया। बिल्डिंगा बना दी गई ने, इतने डी सी भी ने, एल जी एम ने, सारे दफ्तर ने, एस एस पी के दफ्तर ने, कोर्ट ने, जज दफ्तर ने सारे, लेकिन इतने एडिया बड़िया बिल्डिंगा बना के सरकार वालों इन्ना खर्चा करके और किसी तरह का सफाई का कोई प्रबंध नहीं गा। इन्हों चाहिए कि इतने गंदगी के ढेर लगे आ, बीमारी फैलन का जोड़ा वा वो डर रहा, अगर करोना का टाइम है, तो इस करके इतने सफाई जी है वो सरकार इस पास जरूर जो ध्यान देना चाहिए। सफाई तो एक मुख्य कारण है जी इंसान का, जिथे सफाई नहीं, जिथे गंदगी नहीं, उत्थे ज़्यादा बीमारियां फैलदियां ने जी। देखो जी, पैसे भी जरूर आते हैं, जिदा पैसे आते हैं उदा प्रॉपर लाए नहीं जाते, जे उदा उदा सही यूटिलाइज किया जाए तो ये जी गंदगी के ढेर है चुके जा सकते हैं।